गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, दिस इज आयुष एंड आज अपन बात करने वाले हैं होंडा सीबी 350 के वेरिएंट्स की। एक है बेस वेरिएंट, एक है टॉप मॉडल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस से। 217,000 रुपये आप लोगों को पड़ता है टॉप मॉडल और 199,000 199,000 रुपीज़ पड़ता है आपको बेस मॉडल। इन दोनों की जो प्राइस में डिफरेंस है उसमें कई सारे फीचर्स के और बॉडी के अंदर आप लोगों को जो डिफरेंसेस है वो मिलने वाले हैं। इंजन जो है वो दोनों ही बाइक के अंदर सेम है। दोनों ही के अंदर आपको 350 सीसी का लिक्विड कूल्ड एयर कूल्ड इंजन मिलता है, अराउंड 21 पीएस की पावर और आप लोगों को मिल जाता है लगभग 29.4 एनएम का टॉर्क। तो इन दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो पावर वगैरह है, टॉर्क है, साउंड है, वो सब सेम मिलता है। बट जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो क्या है वो उस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो है मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मेटेलिक फिनिश के अंदर जो है वो ये हेडलैम्प का कवर जो है वो दिया गया है। इधर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को क्रोम के अंदर जो है ये कवर दिया गया है। देन उसके बाद में अगर आप सस्पेंशन पर आते हैं तो ये ब्लैक कलर के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको बॉडी कलर सस्पेंशन जो है वो कवर्ड मिल जाता है टेलीस्कोपिक का। फ्रंट टायर साइज सेम है, 100 प्रोफाइल का टायर है, 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स है, ड्यूल चैनल ABS स्टैंडर्ड आपको अक्रॉस ऑल द वेरिएंट मिलते हैं, बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल हो। 310 mm का डिस्क ब्रेक, ट्विन पिस्टन निसिन के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। फ्रंट में आपको ट्विन हॉर्न सेटअप आपको क्रोम के अंदर मिलता है, चाहे बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल हो। इंजन जो है वो ऑलमोस्ट सेम कोटिंग के अंदर मिलता है, उनमें कोई भी डिफरेंसेस जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। 15.2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। जो कर्व वेट है वो भी अगेन सिमिलर है, 187 केजी का है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 800 mm की सीट हाइट आप लोगों को मिल जाती है। और भी कलर्स हैं इसके अंदर, ये देखो ब्लैक कलर है, ये ग्रीन कलर है, ग्रे कलर एक अवेलेबल नहीं है, वो एक मैरून कलर आप लोगों को वहाँ पर मिल रहा है। पीछे से अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ बाइक को, तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का मडगार्ड मिलता है बेस मॉडल में, उसमें आप लोगों को बॉडी कलर मडगार्ड जो है वो मिल जाता है। सीट अगर आप देखोगे ब्राउन कलर के अंदर मिल रही है, ये आपको ब्लैक कलर के अंदर मिल रही है। पीछे वाला टायर अगेन सेम है, 18 इंचेस का है, उसमें भी 18 इंचेस का है, 130 प्रोफाइल के टायर है। सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर आपको निसिन का पीछे दिया गया है, ड्यूल चैनल ABS है तो अगेन पीछे भी ABS है। 240 mm का डिस्क ब्रेक है। एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आपको रियर सस्पेंशन दोनों ही में मिल जाते हैं। दोनों में क्रोम जो है वो काफी अच्छा यूज करा गया है, कहीं पर भी क्रोम के अंदर जो है वो कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। बाकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी वाइज बाइक बहुत ही बढ़िया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको लाइक नॉर्मल फिनिश के अंदर मिलता है, ये मेटेलिक फिनिश के अंदर मिलता है, लाइक फाइबर में है, ये भी मेटल में है, वो आगे जो मडगार्ड है वो भी मेटल में आपको मिलता है। क्रोम में जो है मिरर्स आपको मिल जाते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर। और यहाँ पर आपको सारे जो लाइक फिनिश है, मेटेलिक फिनिश वगैरह, वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की मिलती है। पीछे टेल लैम्प आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेट्रो फिनिश देती है। यहाँ पर आप लोगों को ऑल LED जो है टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। और मैं आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेकआउट करवाता हूँ और क्या फीचर्स कम ज़्यादा है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं क्लच बता देता हूँ। क्लच जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी टू यूज़ है। यहाँ पर पास स्विच है, टर्न इंडिकेटर है और इधर हॉर्न है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस वाले बाइक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे स्विचेस मिल जाते हैं MID को टॉगल करने के लिए। अब MID में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, बेस मॉडल में आप लोगों को जो है वो कुछ भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आपको नहीं मिलती है, बट इधर अगर आप देखोगे तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो मिल जाती है। फोन से वॉइस इनेबल फंक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो आपके मोबाइल को इसका ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। तो ये सब चीज़ें जो है आपको टॉप मॉडल में मिल रही है और बाकी सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो इधर स्विचेज हैं, किल स्विच और हजार्ड लैम्प का स्विच, वो भी सिमिलर है। मिरर सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंसेज जो है आपको नहीं मिलता है। हैंडल बार वगैरह सेम है। चाबी जो है वो भी अगर आप देखोगे तो सेम ही चाबी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है दोनों ही बाइक्स के अंदर, और सिमिलर स्पेक्स, टेक्निकल स्पेक्स वगैरह मिलते हैं। सीट के चेंजेस मैंने आपको बता दिए, आप लोगों ने मडगार्ड का कलर जो है वो देख लिया। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को टॉप मॉडल में मिल रही है, यहाँ पर क्रोम मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को कोई क्रोम जो है वो नहीं मिल रहा है। फ्रंट मडगार्ड आप लोगों को ब्लैक कलर के अंदर मिल रहा है, इसमें आपको बॉडी कलर मिल रहा है, दैट्स ऑल। यही सारे चेंजेस हैं। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ। ड्राइव सेफ गाइज, राइड सेफ। और साथ ही इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।